अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज मैं आप सबके लिए फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं लाइट चैप्टर की। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने लाइट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने बताए थे। आज इस लेसन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं रे डाइग्राम, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और आज हम लोग करेंगे रे डायग्राम। सबसे ये दिख रहा है यहां से, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। और कॉनकेव मिरर को मैंने पहले भी बोला था, कन्वर्जिंग भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। आज हम इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे जिसके केसेस होंगे। सबसे पहले पोजीशन, ये दिख रहा है ना अच्छे से, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कितना बड़ा या छोटा होगा, और इमेज का नेचर क्या होगा, रियल या वर्चुअल। सबसे पहले बच्चों आज मैं आपको थोड़ा रियल और वर्चुअल का कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, जैसे हमारा शेडो, हमारी जो परछाई है इसको हम स्क्रीन में नहीं देख सकते, तो शेडो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। और जो आप टीवी में देखते हो, किसी हीरो हीरोइन को आप देख रहे हो, तो वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज, क्योंकि उसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल मतलब होता क्या है बच्चों, आभासी। आभासी मतलब जो रियल नहीं है, जैसे जो हमारे फेसबुक इंस्टा के फ्रेंड्स है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। रियल फ्रेंड्स हमारे कौन है, जिनसे हम रोज स्कूलों में मिलते हैं, खेलते हैं, जिनसे बातें होती हैं। इस फेसबुक इंस्टा में तो कई लोग अपना फेक अकाउंट भी बनाते हैं, तो वर्चुअल वर्ल्ड है वो। उसी तरह वर्चुअल इमेज का मतलब रियलिटी में जिससे हमें डिटेल्स के बारे में पता ना चला। अब जैसे शेडो है, शेडो तो पिच ब्लैक होता है, उसमें उसका कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन, वो कैसा दिखता है, वो सब पता नहीं चलता, पर रियल इमेज में पूरा डिटेल मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोर्शन दिख रहा है, ये सबसे पहला जो है वो होगा ऑब्जेक्ट, होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं पे प्लेस्ड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो मान लो ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, और मैं बार बार बोल रहा हूं इसका जो प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले जो मैंने बनाया था फिजिक्स का, आप 10th के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन को नहीं पढ़ा है तो रे डायग्राम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ये कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा मैंने बताया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, मतलब ऑब्जेक्ट दूर कहीं पे है, बहुत दूर दिख रहा है ना। तो इंसिडेंट रे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एक इंसिडेंट रे हमने ऊपर से लिया, दूसरा इंसिडेंट रे नीचे से। इंसिडेंट रे क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट आ रही है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उससे लाइट आई, ये मिरर में वो टकराई, रिफ्लेक्ट हुई। और रूल क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे सोर्स ऑफ लाइट, अब वो लाइट रूम की हो सकती है, सूरज की हो सकती है, कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल लाइट हो सकती है। अब ये इंसिडेंट रे सीधे आए क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन,
रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद ये कहां से पास हुए? फोकस से। दूसरा वाला भी कहां से पास हुआ? फोकस से। तो रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां मीट अप होंगे, कहां मिलेंगे? फोकस में। तो ये दोनों रेज जो टकराने के बाद फोकस से पास हुए, इन दोनों को क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। और इमेज कहां बनता है बच्चों? जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होता है। जैसे अभी आपके सामने कोई बात कर रहा था, आप देखिएगा आंखों के रेटिना में आपका इमेज बन रहा है, और उसकी आंखों में आपका इमेज बन रहा है, आपकी आंखों में उसका इमेज बन रहा है। मतलब रिफ्लेक्टेड रे, लाइट इस बेंच में पड़ी, रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आई और मेरी आंखों में इसका इमेज बना, तब मुझे दिख रहा है। किसी भी चीज को हम तभी देख सकते हैं, उसकी इमेज वहां बनती है रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलते हैं। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं? एफ यानी फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज कहां बनेगा? एट फोकस। इमेज बनेगा आपका फोकस में। देखिए कितना छोटा इमेज बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ये साइज ऑफ इमेज? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो रियल होती है, स्क्रीन में ऑब्टेन हो सकती है, और वो इन्वर्टेड होती है। लैटरल इन्वर्जन आप पढ़े हो बच्चों, जैसे मिरर में आप खुद को देखोगे, अगर आपने ये राइट हैंड में मार्कर उठाया है तो मिरर में आप देखिएगा लेफ्ट हैंड में मार्कर उठाया हुआ दिखेगा। इसको क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए जो एम्बुलेंसेज होती हैं उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा जाता है? इन्वर्टेड, ताकि अगर एम्बुलेंस, मान लीजिए यहां से एम्बुलेंस आ रही है, अब गाड़ी के रियर व्यू मिरर में हमने एम्बुलेंस को देखा तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, मिरर में वो इन्वर्टेड होके वो सीधा दिखेगा हमको एम्बुलेंस। इसीलिए एम्बुलेंस में जो लेटर्स होते हैं वो इन्वर्टेड लिखे जाते हैं, क्योंकि मिरर में वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो पहला, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का। अब सेकंड डायग्राम, सेकंड केस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट रहेगा बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहेगा। ठीक है, फिर से बना लीजिए, ये आपका कंकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा दूर। समझ लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। पिछले वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को शो क्यों नहीं किया था बच्चों? इस लाइन को क्या कहेंगे? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी में, बहुत दूर था, और बहुत दूर था तभी तो पॉइंट साइज। आप सोचिए जब आप प्लेन्स को देखते हो या किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो आपसे बहुत दूर है, आपको कितना छोटा दिखता है पॉइंट साइज। यानी ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर हो तो उसका इमेज बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी के बगल में। पहला इंसिडेंट रे, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहा था? कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद, बाउंस बैक होने के बाद, टकराने के बाद कहां से पास होगा? वो फोकस से। ठीक है, और
एक इंसिडेंट रे सी से पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रूल आपको याद है, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो उसी रास्ते वो बाउंस बैक करेगा, उसी रास्ते वो वापस आएगा। तो बताइए दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं, कहां मीट हो रहे हैं, सी और एफ के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज, और इमेज इन्वर्टेड हो जाएगा उल्टा तो बी ए। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी एंड फोकस यानी एफ, तो सी और एफ के बीच में मिलेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और उसके कंपैरिजन में इमेज छोटा है, तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज, और रियल एंड इन्वर्टेड। अब बच्चों मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, आप जब आप फोटो लेते हैं मोबाइल्स में, आप फोकस को जूम इन या जूम आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज के जितना पास होगा, फोकस के जितना पास होगा इमेज उतना बड़ा होगा, और ऑब्जेक्ट फोकस से जितना दूर होगा इमेज उतना छोटा होगा। खुद जानते हैं जब ऑब्जेक्ट आप मोबाइल से बहुत पास से लेते हैं, बहुत क्लोजअप लेते हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आता है, और ऑब्जेक्ट से आप जितना दूर जाते हैं तो आप फोकस से उतना दूर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज उतना छोटा होगा। ठीक है, इनफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट फोकस से बहुत दूर था तो इमेज उसका छोटा बना। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आता जाएगा इमेज वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा। नोटिस करिएगा, सबसे पहले पॉइंट साइज, अब थोड़ा बड़ा हुआ, अब थोड़ा और बड़ा होगा, क्यों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आएगा इमेज उतना इनलार्ज बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो सेकंड केस भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड ऑब्जेक्ट का, मतलब सेकंड केस का। अब थर्ड केस, थर्ड केस में ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस में रहेगा ऑब्जेक्ट एट सी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे फोकस के पास आएगा, पहले पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी, फिर सी के बगल में आया बियॉन्ड सी, अब एट सी, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट फोकस के पास आ रहा, और जैसे जैसे फोकस के पास आएगा इमेज एनलार्ज होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये पहला इंसिडेंट रे, ये पहला इंसिडेंट रे, और अकॉर्डिंग टू रूल अगर इंसिडेंट रे, इस रे को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और ध्यान रखिएगा इमेज वही बनता है जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। तो रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, एफ से, और जो दूसरा इंसिडेंट रे है जो एफ से जा रहा है रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या निकल जाएगा, पैरेलल। इमेज को थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास हुआ? एफ से। और जो इंसिडेंट रे एफ से जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कोई इंसिडेंट रे एफ से जाएगा फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या निकल जाएगा? पैरेलल। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं? सी पे। और इमेज कहां बनता है? जहां रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी कहां बन रहा है? देखिए सी में। तो अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे है, इमेज भी कहां बनेगा? एट फोकस एफ, सॉरी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। ऑब्जेक्ट अगर सी में है तो इमेज भी कहां बनेगा? सी में। और ध्यान से बनाने पे आप देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखें, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, और इन्वर्टेड है यानी ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या हो जाएगा? बी है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, सेम साइज, सेम साइज। और फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार और इस डायग्राम को बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए, एक बार और इस डायग्राम को बनाते हैं। चलिए ये हमारा कनकेव मिरर, सेंटर से पास हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी में। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। रूल क्या कहता है? ये पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पास होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगा? फोकस से। और जो फोकस है, दूसरा इंसिडेंट रे जो फोकस से गया है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये बन गया इमेज। अब इमेज उल्टा हो जाएगा, नहीं ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या हो जाएगा? बी ए। अब आपको क्लियर दिख रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा दिख रहा है ना अच्छे से। अब फोर्थ केस, फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट चला जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी एंड एफ, फोकस यानी कि एफ। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। ये हमारा इंसिडेंट रे ए, सॉरी, ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमने बना लिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? सी और एफ के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट, नाम दे दिया इसको हमने ए बी। अब पहला इंसिडेंट रे जो फोकस, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगा? फोकस से। अब आगे बताने से पहले जरा ध्यान दीजिए बच्चों सेकंड वाले को, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज बन रहा था बिटवीन सी एंड एफ, और अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। अब मैच कर लीजिए फोर और टू को, कितना ईजी हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था तो इमेज बन रहा था सी और एफ के बीच में, अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी, ठीक है। और क्योंकि अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है फोकस के, तो इमेज जो है वो बड़ा होता जाएगा। अब दूसरा इंसिडेंट रे जो फोकस से पास होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या निकल जाएगा? पैरेलल निकल जाएगा। देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा, और इन्वर्टेड हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज बी है। एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ये हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सी और एफ के अगर बीच में है तो पहला इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगा? एफ। दूसरा इंसिडेंट रे जो एफ से पास हुआ, रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या निकल जाता है? पैरेलल। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रहे हैं? बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ा, तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, और इमेज क्या हो जाएगा? एन लार्ज। आप देख सकते हैं ये स्मॉल था तो ये क्या हो जाएगा? एन लार्ज, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और फिर वही रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब हम बनाएंगे फिफ्थ केस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले ये फोर्थ केस का डायग्राम था, मैं दिख रहा हूं कि नहीं? जब मैं बनाता हूं इधर मैं दिख रहा हूं वीडियो में। हाँ, अब फिफ्थ, अब ऑब्जेक्ट चला जाएगा एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट रहेगा कहां पर? फोकस। और इसी केस में इमेज सबसे बड़ा बनेगा। क्यों? आप ऑब्जेक्ट को सीधा रख रहे हो फोकस पे और इमेज सबसे बड़ा बनेगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन है, इन विच केस द इमेज विल बी मोस्ट हाईली एनलार्ज्ड? इट विल बी व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस। अब फिफ्थ को आप मैच करिए वन से, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो इमेज बन रहा था फोकस में, अब ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इमेज कहां बनेगा? एट इन्फिनिटी। बना के देख लीजिए आप, ये हमारा कंकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? फोकस पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, पहला इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा? फोकस से। और जो दूसरा इंसिडेंट रे है जो सी से जाएगा, सी का रूल आपको पता है, अगर कोई इंसिडेंट रे सी से पास होता है तो वो उसी रास्ते बाउंस बैक होगा। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अगर कोई इंसिडेंट रे सी से पास होता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते वापस आएगा। अब
ये दोनों, थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमाओ, ये दोनों बहुत दूर जाकर इंटरसेक्ट हो गए। मान लीजिए दोनों आए 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 यहां आके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, दिख रहा है ना, यहां से आए 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 और यहां रिफ्लेक्ट हो। अब यहां से लेके इमेज को यहां तक जाना पड़ेगा, तो सोचिए इमेज कितना बड़ा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस में है तो इमेज कहां बनेगा, बहुत दूर, इनफिनिटी, और बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए? आपके लिए चलिए डायग्राम एक बार और बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और आ जाए। एक बार और बना देता हूं इसको, यह हमारा कंकेव मिरर, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, पहला इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद, कहां से पास होगा, वो फोकस से, और दूसरा इंसिडेंट रे जो सी से जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कोई इंसिडेंट रे सी से जाता है तो उसी रास्ते वापस आता है। तो अभी तो ये पैरेलल है, ये बहुत दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बहुत दूर आके इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसीलिए इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, बहुत बनेगा, बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड। और फिफ्थ वाला वन के जैसा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, वन का उल्टा है, तो इमेज बन रहा था फोकस में, ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इमेज बनेगा इंफिनिटी, इसमें पॉइंट साइज, इसमें हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट केस ऑफ कंकेव मिरर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फिफ्थ केस। अब सिक्स्थ केस, लास्ट केस, अब ऑब्जेक्ट को आप फोकस से आगे लेके चले जाओगे, बियॉन्ड फोकस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। और जानते हो आप, जो मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सेंटर को पोल कहते हैं। ये लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है ये मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सेंटर को कहते हैं पोल, और ऑब्जेक्ट रहेगा ए बी पोल, यानी ये पोल है, पोल और फोकस के बीच में। सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो पहला इंसिडेंट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगा, फोकस, और दूसरा इंसिडेंट रे जो सी से जाएगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ आए, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अब आपको क्लियर दिखेगा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या है, पोल, ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस और पोल के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, ये पहला इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद फोकस से जाएगा, और जो इंसिडेंट रे सी से जाता है वो उसी रास्ते वापस, लेकिन अब ये आगे नहीं जाएगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द मिरर मीट करेंगे,
और मैंने क्या बोला था, जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे इमेज वहीं बनेगा। और इस बार उल्टा नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इमेज मिरर के आगे नहीं बन रहा है, इमेज बन रहा है मिरर के पीछे। मिरर में आप देखोगे तब वो लैटरली इनवर्स हो जाएगा, लेकिन यहां तो इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट केस में आपने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा, इमेज बन गया इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से आगे तो जा नहीं सकते, और फोकस वो लास्ट पॉइंट है जहां इमेज सबसे बड़ा बन रहा है। अब आप ऑब्जेक्ट को फोकस से भी आगे लेके चले गए तो रियल में मिरर में वो इमेज बन ही नहीं सकता। इसीलिए इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। और हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के आगे तो बन नहीं रहा इमेज, तो उल्टा तो होगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज भी क्या रहेगा? ए बी। ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ा, ठीक है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज है, रियलिटी में इमेज बन ही नहीं सकता, बिकॉज वो कहां चला गया? मिरर के पीछे, तो पीछे जाने से वो इमेज तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा है। तीसरी बार आप लोगों के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, मैं सिर्फ पोल वोल नहीं लिखूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया पोल क्या है, पोल इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी, पहला इंसिडेंट रे पास कहां से होगा? फोकस से। क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से पास होगा? फोकस। ये दूसरा इंसिडेंट रे जो सी से गया उसी रास्ते वापस, लेकिन ये दोनों अब मीट करेंगे बिहाइंड द मिरर। ए बी अब बहुत क्लियरली दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कनकेव मिरर के 6 केसेस हो गए। अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर जिसके 2 ही केस हैं, अब हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर जिसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसमें 2 ही केसेस हैं, अब हम इसको देखेंगे। पहला केस, इसमें भी पहला केस वही होगा जब ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? एट इंफिनिटी। ये तो सिंपल है, इंफिनिटी में रहेगा, चाहे कनकेव हो या कॉन्वेक्स, इमेज फोकस में ही बनेगा। कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उल्टा चम्मच जैसा होता है, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो राइट साइड होता है। ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, मतलब ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ये इंसिडेंट रे जो लेफ्ट से आ रहा है, इन चारों को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां मीट करेगा? फोकस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में एक पॉइंट से कन्वर्ज नहीं होता, कन्वेक्स मिरर में एक पॉइंट से डाइवर्ज हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? फोकस। मैंने बोला ही है, कनकेव हो या कन्वेक्स, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस।
पॉइंट साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है मिरर से फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा ही दिखेगा पॉइंट साइज. और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट. कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता और इरेक्ट होता है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लास्ट केस, लास्ट केस में ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. ऑब्जेक्ट रहेगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में. ये आपका कन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इस पॉइंट को पता ना क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या कहते हैं बच्चों, पोल और इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो कहीं भी आप प्लेस कर दीजिए, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो एंडलेस है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है. मान लीजिए यहां पे मैंने रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को ए बी. ये पहला इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आप जानते हैं अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगा, फोकस. और जो दूसरा इंसिडेंट रे है जो सी से जाएगा उसी रास्ते वापस हो जाता है. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट हो रहे हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे पोल और फोकस के बीच में मीट हो रहे हैं. यह बना आपका इमेज, और इसमें उल्टा तो होना नहीं है. तो ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज भी ए बी, ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटा. तो अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल. स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है और कन्वेक्स है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आज के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रे डायग्राम समझ में आया हो. अगली वीडियो में हम साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूले के वर्ड प्रॉब्लम्स, कनकेव कन्वेक्स का यूजेस, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. पूरे 10th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ.